हेलो कैप्रिकॉन्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। और ये आपके मिड मंथ की रीडिंग है अक्टूबर 2022। और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। आपसे फुल मैसेजेस को कंसीडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, मेरे दोस्त चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं फॉर पर्सनल रीडिंग। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं मिड मंथ में कैप्रिकॉन्स के लिए। ओके, दैट्स ब्यूटीफुल कार्ड फॉर यू इन मिड ऑफ द मंथ। सो कोई न्यू अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको, या तो बोनस मनी मिल सकता है किसी प्रोजेक्ट पे आपने काम किया है, उसका उसका जो पेमेंट है वो मिल सकती है आपको। मनी आ सकता है बहुत एकदम से आपके पास। आपने किसी को कभी लोन दिया था वो बैक हो सकता है आपको, या फिर जस्ट आपको एक नया वर्क प्रोजेक्ट मिल सकता है जो कि आपको एक अच्छी सैलरी पे मिल रहा हो, एक अच्छी पे आपको मिल रहा हो। सो ये एक नया स्टार्ट भी हो सकता है आपकी लव लाइफ में, एक नया स्टार्ट हो सकता है। एक कमिटमेंट आ सकती है आपके पास उस पर्सन की तरफ से जिसका आप बहुत अर्से वेट कर रहे थे। आप और ये एक ट्रैवल अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है फॉर यू कि आप ट्रैवल को आप जो बहुत हो सकता है बहुत अर्से से ट्रैवल करने के चांसेस देख रहे हों और ये इस टाइम आपको वो चांस मिल जाए। ओके, सेवन ऑफ वॉन्स, नाइन ऑफ वॉन्स। यहाँ पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को प्रोटेक्टिव साइड पे भी रख रहे हैं, दो के आप इस अपॉर्चुनिटी को अपने पास रखना चाहते हैं, स्टक रहना चाहते हैं इस अपॉर्चुनिटी पे। चाहे एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, चाहे आपका कोई नया रिलेशनशिप, आपके पास नई कमिटमेंट आ रही है। अगर लव लाइफ के हवाले से देखा जाए, अगर ये नई कमिटमेंट है और ये उस पर्सन की तरफ से जिसकी तरफ से आप चाहते थे, ओके, सो आप किसी हद तक अपने आप को प्रोटेक्टिव साइड पर भी रखेंगे। टू ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे मुझे मनी मैटर ज़्यादा जो है वो इन्वॉल्व नज़र आ रहा है, ठीक है। आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, ठीक है। हो सकता है आपके पास एक से ज़्यादा आपके पास एक ऐसे पोटेंशियल पार्टनर्स हैं जिनको आप कंसिडर कर सकते हैं फॉर योर मैरिज रिलेशनशिप। ओके, सो यहाँ पे मैरिज रिलेशनशिप के लिए या फिर जस्ट फॉर अ कमिटमेंट या जस्ट फॉर अ लव रिलेशनशिप के लिए आपके पास एक ऑफर है, और बट आपके पास और भी बहुत सारे पोटेंशियल पार्टनर हैं और आप जगल कर रहे हैं। एक ऑफ़र आपके पास आती है, आप उस ऑफ़र को अपने साथ भी रखना चाहते हैं, लेकिन आप उस ऑफ़र को जैसे एक होल्ड पे रख रहे हैं कि ताकि आप अपने अदर ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकें, क्योंकि आपके पास और भी ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो आप जगल कर रहे हैं कि किसको चूज़ करना है किसको नहीं। और एक ऑफ़र तो ऐसी है आपके पास जो आपके पोटेंशियल जो कि आपके जिस पर्सन के साथ आप चाहते थे ऐसे पर्सन के साथ आई है, के पास से आई है, ठीक है। तो यस, तो सारी आपको आप इसलिए जो है कंफ्यूज हैं कि दो ऑफर्स हैं और दोनों ही बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। सो आप एट द एंड ऑफ द मंथ कंफ्यूज हो सकते हैं, या फिर सिर्फ ये एक ही पर्सन हो और वो आपको कर रहा है कमिटमेंट, लेकिन आप एट द एंड ऑफ द मंथ उस पर्सन की तरफ से थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि आपको लगेगा कि वो पर्सन थोड़ा सा प्रोटेक्टिव हो रहा है अपने आप में, थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड हो रहा है, आपको लेट इन करने नहीं दे रहा, वो फुली आपको अपने बारे में जांच पड़ताल करने का मौका नहीं दे रहा। सो ये भी सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। डिसेप्शन, ये पहले भी आया था और ये अब दोबारा कार्ड आया है आप लोगों के लिए। आपको याद होगा कि एक कार्ड यहाँ पे स्टक हो गया था गिरकर, तो ये वही कार्ड है और ये दोबारा जो है मेरे पास आया है। सो डिसेप्शन, समवन इज़ वेयरिंग अ फॉल्स मास्क
इन दिस रिलेशनशिप. एज आई सेड दैट कोई है, ये जो भी पर्सन नया है या एग्जिस्टिंग है, वो पर्सन आपको सारी बातें नहीं बता रहा, वो आप कुछ बातें छुपा रहा है, ठीक है. वो प्रोटेक्टिव साइड पे रहकर आपको सिर्फ वो बता रहा है जो वो बताना चाहता है. और लाइक हो सकता है वो आपको कंट्रोल कर रहा हो इस सिचुएशन को, कि आप उसको ज़्यादा ना जान लें, आपका उसके लाइफ में ज़्यादा इंटरफेरेंस ना हो जाए. तो आप ये इस चीज़ों की वजह से, हो सकता है उसकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ हो जो वो छुपा रहा है, वो आपके सामने ऐसा बन के आ रहा है जो वो नहीं है. सो वो आप फिर भी स्टक हैं, आप भी अपने इर्द गिर्द बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं, और आप एट द एंड ऑफ द मंथ इस ऑफर के हवाले से जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार हो सकते हैं. सो यहाँ पे डिसेप्शन एनर्जी है, किसी ने फॉल्स मार्क्स चढ़ाया हुआ है अपने फेस पे, तो आपको उसके असली चेहरे को जानना है, या फिर आपके आपके सामने उसका असली चेहरा आ रहा है, तो तभी आप जगल कर रहे हैं इस ऑफर के. पहले तो आप बहुत खुश थे, लेकिन अब एट द एंड आप जो है वो क्या कहते हैं, जगल कर सकते हैं, ठीक है. So that was your reading, Capricorn. If it resonates you, please let me confirm in a comment below. Like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.